मसाला वड़ा। हाँ भी दाल बड़ा मसाला। इससे पहले हमने एक घाटी की वीडियो आपको दिखाए थे। घाटी का नाम था तिगाव चिंचोड़ा घाट सेक्शन, शायद आप सभी को याद होगी। अगर याद नहीं है तो आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। आज इस वीडियो में आप सभी को एक और घाटी से परिचय करवाएंगे जो उसी ट्रेन रूट में पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं देबाशीष आप सभी को जर्नी एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। तो इस घाटी का नज़ारा देखने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिए और इस घाटी के विषय में जानकारी ले लीजिए। आज जिस घाटी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वो है धाराखो मरमझिरी घाट सेक्शन। ये घाटी मध्य प्रदेश की बैतूल और इटारसी स्टेशन के बीच आती है। धारा का मतलब है झरना और खो का मतलब है गुफा, इसलिए भारतीय रेल की ओर से एक छोटी सी स्टेशन यहाँ पे बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है धाराखोह। मरमझिरी भी एक छोटी सी स्टेशन है। ये दो स्टेशन इस घाटी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस घाटी का नाम पड़ा है धाराखोह मरमझिरी घाट सेक्शन। ये घाटी सेंट्रल रेलवे नागपुर डिवीजन की अंतर्गत है।
धाराखो मरमझिरी घाट सेक्शन सिर्फ 13 किलोमीटर लंबा है। भारतीय रेल के अनुसार इस रूट की अन्य स्थानों से ट्रेन को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाता है, लेकिन धाराखो और मरमझिरी स्टेशनों के बीच ट्रेन की गति को 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में सीमित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की महादेव हिल्स धाराखो और मरमझिरी स्टेशनों के बीच आती है। धाराखो नियमित रूप से एक पैसेंजर स्टेशन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस और मेल ट्रेन्स को 3 मिनट के लिए हॉल्ट करवाया जाता है, क्योंकि इस घाटी में और इसके आगे बहुत सारे टनल्स आती है। इसकी वजह से यहाँ पे ट्रेन के साथ एक्स्ट्रा इंजन का इस्तेमाल करना पड़ता है।
अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो और इस वीडियो से जुड़े हुए जानकारी आप सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो इस साल में आने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए और जर्नी एक्सप्रेस देखते रहिए।